गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कुंज ऑफिशियल डबल हैशटैग, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी, आप लोग भी अपने घर में करते होंगे, लेकिन आपको हमारे ब्लॉग में वो सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ राउंड फुल स्टॉप, जो कि हमारी भाभी अभी गई हैं मार्केट और गर्मा गर्म लाई हैं। सारे लोग खाए हैं और ये हमारे लिए है। मुझे मीठा तो पसंद नहीं है, फिर भी मैं खाऊंगी और आपको बताऊंगी कि टेस्ट कितना अच्छा है। आप लोग को भी पसंद होगा तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको राउंड फुल स्टॉप पसंद है या नहीं है। ये हमारा राष्ट्रीय स्वीट्स भी है। बहुत ही यम्मी है और मीठा भी बहुत ही अच्छे से है, बहुत ही क्रिस्पी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब देख रहे हैं, ये अभी कुंज का मसाज टाइम है। कुंज अभी उठ गया है कुंज और अभी मसाज कर रही है कुंज की मम्मा और वो चल रहा है, देख लीजिए। उसकी मम्मा पीठ में मसाज कर रही है और कुंज देखिए कैमरा फ्रेंडली हो गया है, मसाज एंजॉय कर रहा है। कुंज इधर देखो, कुंज देख रहा है। कच्चू का सब्जी बन रहा है। सबसे पहले इसे बेसन में लपेटा जाता है। अब भाभी मेरे नई तरीके से बना रही है तवे पे डाल के। अभी तवे पे इसको गर्म करेंगे, फिर इसको काट के फिर छानेंगे। ये देखिए एक एक करके सब पत्ते को बेसन पे डालेंगे या फिर इसका ऐसे ही रोल करेंगे। ऐसे ही प्रोसेस सारे पत्ते का होगा, फिर आगे प्रोसेस कैसा होता है मैं आपको बताऊंगी। अरवी की सब्जी कैसे मेरी भाभी अपने स्टाइल में बनाती है, आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग भी अपने किचन में ट्राई करना और बताना कि टेस्ट कैसा लग रहा है। ये अब भाभी इसको फ्राई कर दी है तेल में, अब इसे डालेंगी। अब देखिए मछली की तरह इसका मसाला फ्राई हो रहा है। अब इस पूरी तरह से ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसमें डालेंगी पानी और इसमें डाल देंगी ये जो छानी हुई है। और इसमें खट्टा बहुत जरूरी है। देखिए मेरी भाभी बना रही है, बहुत कम ही लोग को पसंद आता है, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो आप प्लीज़ हमें बताना, मैं रेसिपी आपको शेयर कर दूंगी। कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि मछली बना है, मछली की तरह पूरा गोल गोल दिख रहा है। ऐसे ही आप बना सकते हैं। अक्सर हमारे घर में कुछ बच जाता है, कुछ कहीं से आ जाता है जो कि फ्रिज में रखे रखे बर्बाद हो जाता है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कर लें अपने फ्रिज में कि क्या खाने वाला है, या अपने घर में चेक कर लें कि क्या खाने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो ख़राब हो जाते हैं और इनके हम उसे फेंक देते हैं। और पैसे अगर आपको नहीं पसंद और पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो प्लीज़ किसी को दे दिया करें, कम से कम वो खाएगा तो उसके रुआ में जाएगा, वो आपको आशीर्वाद देगा। ये सोशल मैसेज है, मैं किसी पे टोंट या कुछ भी नहीं कह रही हूँ। प्लीज़ आप लोग अपने घर में भी इस चीज़ का ध्यान देना, क्योंकि अक्सर हमारे घर में कुछ वेस्ट बहुत सारे सामान एक्सपेंसिव खरीद के आते हैं और रखे रखे वो एक्सपायर हो जाते हैं, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, एक्सपायरी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, जो कि एक्सपायरी चीज़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। हाँ, खाना भी बर्बाद ना करें, क्योंकि हमारे क्योंकि हमारे करना चाहिए। आपको पता है जिस खाने को हम बर्बाद करते हैं वो खाने के लिए बहुत सारे लोग भूखे रात को सोते हैं, और बहुत घर में ऐसा भी होता है जहां बहुत लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। प्लीज़ अगर आपके घर में पार्टी फंक्शन कुछ भी हो तो आप ऑनलाइन नंबर निकालो, एनजीओ बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर आप उस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके आप उन्हें बुलाओ और अपने घर का बचा हुआ खाना प्लीज़ आप उन्हें डोनेट कर दो, उन्हें दे दो, क्योंकि वहाँ पे लोग खाएंगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे। ब्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई लव यू टू ऑल। और हाँ, शेयर करना प्लीज़ ना भूलें।